हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टोरेज डिवाइसेस शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उन्हीं डिवाइसेस को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करती है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, हम कुछ भी चीज़ें याद करनी है या कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर होती है, ठीक है। हमारा माइंड उसको याद रखता है। उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है उसको कंप्यूटर मेमोरी हैंडल करती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर ए डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए इनका कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ किया जाता है। स्टोरेज इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। स्टोरेज कंप्यूटर का एक फीचर है। यूज़र कैन रिट्रीव मतलब निकाल सकते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी जरूरत पड़ती है तो यूज़र कंप्यूटर से उस डेटा को निकाल सकता है, रिट्रीव कर सकता है। इन कंप्यूटर डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अ स्विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, दैट इज ऑन एंड ऑफ। एक जो स्विच होता है, जो बटन होता है, उसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल स्टेज होती है, या तो वो ऑन है या फिर वो ऑफ है, ठीक है। तो उसको अगर हम मैथमेटिकल नंबर में रिप्रेजेंट करें तो वो होता है 0 और 1। तो 0 और 1 को कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो कंप्यूटर में 1 का मतलब है कि स्विच वो ऑन है, ठीक है, एंड 0 का मतलब है कि वो स्विच ऑफ है। इन कंप्यूटर व्हेन अ स्विच इज ऑफ इट रिप्रेजेंट 0 एंड व्हेन द स्विच इज ऑन इट रिप्रेजेंट 1। जब स्विच ऑफ होएगा तो वो 0 शो करेगा एंड जब स्विच ऑन होएगा तो कंप्यूटर वो 1 शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह कंप्यूटर की रिप्रेजेंटेशन होती है मेमोरी में। आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम किन किन टर्म्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अ मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड विद करेक्टर। कंप्यूटर मेमोरी करेक्टर में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द मेमोरी। चलिए इन्हीं जो टर्म्स हैं, जो मेमोरी के टर्म्स हैं, वेरियस टर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको जैसे पता होएगा कि जैसे किलोग्राम होता है, लीटर होता है, सेकंड होते हैं, मिनट्स होते हैं, हर एक का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर हमने टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो हम मिनट, सेकंड और आवर में करते हैं, ठीक है। अगर हमने कुछ वेट का मेजरमेंट करनी है तो हम ग्राम या किलोग्राम करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह अगर हमने जैसे वाटर को मेज़र करना है तो हम लीटर या मिलीलीटर में करते हैं, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर मेमोरी को रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे जो हम अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी विच रेफर्स टू 0 और 1। जो बिट है वो कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है, जो रेफर करता है 0 और 1 को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज नोन एज बिट। बिट की सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 या फिर 1। अब इन्हीं टर्म्स हैं, और भी टर्म्स हैं, जैसे कि 1 बिट 0 और 1, 4 बिट से मिलके बनता है 1 निबल, 2 निबल मतलब 8 बाइट, और 8 बाइट का मतलब है 1 बाइट, ठीक है। फिर 1024 बाइट से मिलके बनता है 1 किलोबाइट, 1 KB। फिर 1024 किलोबाइट से मिलके बनता है 1 मेगाबाइट, 1 MB, और 1024 MBs मतलब मेगाबाइट से मिलके बनता है 1 GB, 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट से मिलके बनता है 1 टेराबाइट, 1 TB।
आप सभी ने कभी ध्यान दिया होगा कि जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसके अंदर स्टोरेज होती है ना, तो स्टोरेज में वो मेमोरी इसी में शो करता है, एमबीज में या फिर जीबी में, या मोस्टली जीबी में यूज़ करते हैं, देखते हैं। जैसे 16 GB है, 32 GB है, 64 GB है, ठीक है, रैम है जैसे 2 GB, 4 GB, 3 GB, तो ये सारी टर्म्स होती हैं मेमोरी की, ठीक है। तो आपने इन सभी टर्म्स को अच्छी तरह पढ़ना है, ये सारी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सारी टर्म्स अपनी नोटबुक पे एक तो नोट डाउन करनी है और दूसरा इनको अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के टाइप्स, कंप्यूटर मेमोरी में टाइप कौन कौन सी मेमोरी होती है उसके टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन सी, फर्स्ट है कैशे मेमोरी, सेकेंड वन प्राइमरी मेमोरी एंड थर्ड वन सेकेंडरी मेमोरी। तो 3 टाइप्स की मेमोरी में इनको कैटेगराइज किया गया है। अब इन तीनों टाइप्स को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक चार्ट बना रखा है मेमोरी का। तो सबसे पहले मेमोरी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी एंड कैशे, ये 3 मेमोरी होगी। तो उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के 2 आगे टाइप्स दे रखे हैं, रैम एंड रोम, ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी के बता रखे हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी या डीवीडी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ठीक है। ये इधर आ गई कैशे मेमोरी। तो इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी विच कैन स्पीड अप सीपीयू। कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड वाली मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी एक बफर की तरह काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी में। अब जैसे अगर सीपीयू की स्पीड स्लो है और मेन मेमोरी की स्पीड ज़्यादा है तो कंप्यूटर की वर्किंग सही नहीं होगी। तो उन दोनों की स्पीड में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब पूरा तालमेल बनाने के लिए कैशे मेमोरी का यूज़ किया जाता है। सेकंड है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी बोल सकते हैं हम। दिस मेमोरी इज़ फिक्स इनसाइड अ कंप्यूटर। ये मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही फिक्स की जाती है, सीपीयू के अंदर ही होती है। इट होल्ड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ये सिर्फ छोटा सा डेटा, सिर्फ थोड़ा सा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम क्या चीज होती है? ये पिक्चर देखिए, ये है रैम। इस तरह की एक प्लेट्स होती है रैम, ठीक है, ये कंप्यूटर सीपीयू के अंदर लगाई जाती है। और आगे ये होती है रोम, ठीक है, ये रोम की पिक्चर है। रैम के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस वी कैन रीड एंड राइट दी डेटा। रैम के अंदर हम डेटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमने कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है तो हम रैम के अंदर कोई डेटा डालना है तो हम डाल सकते हैं, और अगर अगर हमने उसमें कुछ चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। दिस इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल का क्या मतलब है? कि इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ठीक है। व्हेन द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी, द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और पावर सप्लाई गोज ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होएगा या फिर अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मतलब लाइट चली जाती है, पावर सप्लाई बंद होगी, कंप्यूटर बंद हो गया, तो साथ के साथ रैम के अंदर जो भी डेटा होएगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वो सारा का सारा वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि रैम के अंदर डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता, ये वोलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब टेम्परेरी डेटा ही स्टोर करती है, परमानेंटली सेव नहीं कर सकती। जब तक लाइट है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक रैम के अंदर डेटा रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ तो जो भी डेटा रैम के अंदर होएगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। नाउ डज वी आर यूजिंग मिनिमम 2 GB रैम इन आवर सिस्टम, वी कैन एक्सटेंड दिस कैपेसिटी अप टू 6 GB और मोर। आजकल कम से कम 2 GB
रैम वाला सिस्टम तो यूज़ होता है, और दो से ज़्यादा भी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे 6 GB है, 8 GB है, 16 GB है, 4 GB है, तो कितना मर्जी हम रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो स्मार्टफोन आप यूज़ करते हो उसके अंदर भी रैम होती है, ठीक है। आ गया रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी वी कैन ओनली रीड द इंस्ट्रक्शंस। इस मेमोरी में हम इंस्ट्रक्शन को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट स्टोर द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, विच आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्टिंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। रोम के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में हेल्प करती है और कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग में हेल्प होती है। उस सारी इंस्ट्रक्शन, उन सारी कमांड को रोम के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो विंडो रोम के अंदर ही इंस्टॉल होती है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक बार हमने रोम के अंदर डेटा डाल दिया तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंप्यूटर सप्लाई दीज इंस्ट्रक्शन, दिस इज ए परमानेंट मेमोरी, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट विल रिमेन एज इट इज़ इवन इफ द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंप्यूटर बनाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन इस रोम के अंदर स्टोर करते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी कमांड्स होती हैं, जो ज़रूरी होती हैं, वो सारी मैन्युफैक्चरर रोम के अंदर डाल देते हैं, जो कंप्यूटर बनाने वाले होते हैं, ताकि वो कभी भी डिलीट ना हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डेटा हम चेंज तो कर नहीं सकते। और एक चीज़ और है, इसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है, ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब इसमें डेटा रहेगा, अगर पावर सप्लाई चली भी जाती है, ऑफ भी हो जाती, तो भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। तो ये थी रोम, रीड ओनली मेमोरी, और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो बच्चों, आज हमने मेमोरी के दो टाइप्स के बारे में पढ़ा, कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के आगे फिर हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, रैम एंड रोम के बारे में। अगली वीडियो में हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और उसके कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना जितना मैंने पढ़ाया है, और फिर से बोल रहा हूँ, आपने ये सारे टर्म्स आपने अच्छी तरह याद करनी और अपनी नोटबुक पे याद लिखनी है, ठीक है। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं, एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, एक MB में कितने किलो बाइट होते हैं, एक GB में कितने मेगा बाइट होते हैं। ये सारे टर्म्स आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू स्टूडेंट्स।